अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रम रखे। मेरे चैनल का नाम है मीरपुरी कटवी, और मीरपुरी कटवी में जो रेसिपी मैं आज आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है कढ़ाई गोश्त। आइए आपसे ये मैं बताती हूँ, ये इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए भी हैं और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी भी इनकी कितनी मकदार में ज़रूरत है। और ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रही है, ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, यकीन जानिए ये खाने में भी बहुत मज़ा देगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सादा मसालों से तैयार हो जाती है, हर कोई इसे अपने रवायती अंदाज़ में तैयार करता है। आज मैं इसे अपने अंदाज़ में तैयार करना बताऊंगी कि ये कैसे तैयार होती है। लैम्ब कढ़ाई के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनमें 250 ग्राम प्याज, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें काटी हुई, 250 ग्राम ऑयल और 2 से 3 टमाटर ये भी छोटे छोटे कटे हुए, अदरक ये भी छोटे छोटे पीस में कटी हुई, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, ये आप थोड़ा या कम डाल सकते हैं जिस तरह आप खाते हैं, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च, ये भी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, और 500 ग्राम लैम का गोश्त शामिल है। तो सबसे पहले हम डालते हैं ऑयल और इसे अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, तो प्याज को हम हल्का ब्राउन होने देंगे, तो फिर इसमें हम और मसाले भी डालेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे अच्छे से पक जाए, 4 मिनट हो जाए, तो फिर इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। इसमें इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, तो गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें इसमें जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए, तो इसका पानी भी सूख जाए अच्छे से। गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है, हम इस पानी को अच्छे से सुखाएंगे। और तो नाज़रीन, हमने अपने चैनल का नाम मीरपुरी कटवी इसलिए रखा है ताकि जो हमारे देहातों में ज़्यादातर इसी नाम से जो हम रोज़मर्रा की हांडियाँ बनाते हैं इसी नाम से पुकारा जाता है, कटवी कहते हैं, तो इसलिए हमने अपनी रवायत बरकरार रखी है, इसलिए इसका नाम मीरपुरी कटवी रखा है। तो नाज़रीन आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला, तो हम इसे अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका अच्छा सा स्वाद आए, अच्छा सा टेस्ट लगे।
और ये गोश्त अच्छे से गल जाए। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसे अच्छी तरह भूनेंगे। ये हांडी हम अपने स्टाइल की बना रहे हैं, बिल्कुल भी जो रेस्टोरेंट में बनती है उस तरह नहीं है, क्योंकि जो हमारी रोज़मर्रा की है हांडी जिस स्टाइल में हम बनाते हैं देसी स्टाइल में, ये वही है। तो आप भी इसे अपने अंदाज में बनाइएगा, बिल्कुल देसी। इसमें अब हम टमाटर शामिल करेंगे और इन टमाटरों को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक ये गल जाते हैं, तो साथ में हम भूनते रहेंगे। टमाटर हमारे अब अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो लैम्ब है वो अच्छे से गल जाए। अब हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो नाज़रीन, जो मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट की थी उसको आप सब ने बहुत पसंद किया और अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इसके लिए मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब ने बहुत तामन किया है और हमें आपके तामन की मज़ीद ज़रूरत रहेगी ताकि इससे सबका भला हो जाए। तो अब मैं डालती हूँ इसमें, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसमें तकरीबन डेढ़ मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी। ग्रेवी के लिए हम इसमें योगर्ट शामिल करने लगे हैं, 125 ग्राम है। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो इसमें योगर्ट ना शामिल करें, इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। और योगर्ट शामिल करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनेंगे। तो इसमें हम मज़ीद खूबसूरती और जायके के लिए इसमें ये जो हमने स्लाइस में अदरक काटी हुई है ये शामिल करेंगे और इसे हिला के चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा ये जो कढ़ाई गोश्त है ये बिल्कुल रेडी है और हम इसे डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारी लैम्ब कढ़ाई कितनी प्यारी तैयार हुई है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मुलाकात होगी आइंदा आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।